السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش اور کرکٹ ورلڈ کپ کیسا رہا. کرکٹ ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش شروع سے ایک بتارکت ملک کے برابر چنہت ہے, क्योंकि बांग्लादेश फर्स्ट राउंड में जिस देश के साथ खेला है उसी के साथ मैच फिक्सिंग की है और मैच फिक्सिंग में बांग्लादेश से ज़्यादा एक्सपर्ट किसी को नहीं देखी. और दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश फील्डिंग में 2098 बॉलिंग की है, 2100 बॉलिंग की है. इनमें से अंपायर का जो डिसीजन है इनमें से 98 बॉल बांग्लादेश के पक्ष में है और 2 बॉल बांग्लादेश के खिलाफ है. तो इतनी बॉल बांग्लादेश के लिए हो रहा है और आज बांग्लादेश के खिलाफ होता है सिर्फ 2 बॉल. इनमें से बांग्लादेश को कंप्लेन करने की क्या जरूरत है जब 2098 बॉल के लिए बांग्लादेश की प्रतिपक्ष यानी कि भारत ऑस्ट्रेलिया जो भी हो एक भी बात लफ्ज़ यूज नहीं की. ओके और हाँ दूसरी बात ये है जो बांग्लादेश में हो रहा है रिलीजियंस के बारे में, बांग्लादेश में आजकल दवानबागी अलामत चल रहा है. दवानबागी जो एक बार कहते हैं कि सपने में भी अगर आप दवानबागी को रसूल के देखना चाहते हैं तो दवानबागी की रूप में रसूल को सपने में देख सकते हैं. और दूसरी बात ये है कि रसूल की बेटी आयशा के साथ दवानबागी की शादी हुई है. तो मेरे सवाल ये है कि दवानबागी जो बोल रहे हैं अगर वो सच है तो ये बड़ी शर्म की बात होगी, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी को कैसे शादी कर सकता है. इसलिए मैं विनती करती हूँ कि जो भी हो खुदा के विचार में हो. अगर शैतान के विचार में हुआ तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा. चलती हूँ.